जसपुर के बागीचा क्षेत्र में पहाड़ी कोरवाओं के आत्महत्या के मामले को लेकर भाजपा का सांसद और विधायकों का दल आज राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात किए हैं। हमारे साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक जी हैं। ये आप लोग मुलाकात किए हैं, किस तरह की बातें रखे हैं राज्यपाल के साथ? देखो, ये जो राष्ट्रपति के संरक्षक दत्तक पुत्र माने जाते हैं, संख्या उनकी अत्यंत कम है प्रदेश में, और चार लोग यदि एक साल लोगों की मौत हो तो चार की मौत के कारण भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। निश्चित रूप से उनको बचाना, उनका संरक्षण करना ये हम सबका दायित्व है, और इसलिए महामहिम राज्यपाल से मिलकर के अवगत कराए हैं, और उसमें हमने कहा है कि घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इस प्रकार से उनको लोगों को बचाया जा सके तो जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, और जुडिशियल इंक्वायरी में सारे तथ्य सामने आएंगे कि आखिर उसका कारण क्या है, और उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। लोगों के जांच दल भी गए थे, जांच दल की रिपोर्ट में क्या बातें सामने आई? जांच दल के रिपोर्ट में मुख्यतः जो बातें सामने आई है कि दो महीना से राशन वहां पर मिला नहीं है, पीने के लिए पानी एक किलोमीटर केवल एक हैंडपम्प है जहाँ जाना पड़ता है, और उसके साथ में रोजगार के पूरे कार्य वहाँ बंद हैं, तो हो सकता है कि भूख से भी मौत हो सकता है दूसरे कारण से मौत हो, लेकिन विस्तृत जांच की आवश्यकता है जो जुडिशियल इंक्वायरी से संभव है। कांग्रेस इस पर आरोप लगा रही है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं और ये अंतरकलह वाला मामला है, भूख से मौत वाली मामला नहीं है, इस तरह का अंतरकलह की वहाँ कोई मामला नहीं है, कि उसमें अंतरकलह क्या होगा? दो ऐसे जो संख्या कम है, पहाड़ों में रहते हैं, मतलब ये दुरू क्षेत्र में रहते हैं, और वहाँ पर जो सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए लगभग सारी फेल हो गई है। तो ये थे धरमलाल कौशिक जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो व्यवस्था है सरकार की वहाँ पर फेल हो चुकी है, इसलिए ऐसी स्थितियाँ निर्मित हुई है, और इस पूरे मामले को न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन संतोष के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू।